दोस्तों ब्रह्मांड में न जाने कितने रहस्य दबे हुए जिनका जवाब वैज्ञानिक कई सदियों से तलाश रहे। दुनिया की कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेज रही। दोस्तों क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित सबसे बड़ी बस्ती है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गतिशील रहता है। दोस्तों ISS 24 घंटे में 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस स्पेस स्टेशन में रहकर एस्ट्रोनॉट अपना शोध का कार्य पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। दोस्तों आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत देश कैसा दिखता होगा, आखिर क्या नजारा होगा अंतरिक्ष से देखने पर भारत का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से ली गई भारत की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही कुछ रियल वीडियो फुटेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आप अंतरिक्ष के बारे में जानकारी पूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट थे। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष में जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा ऊपर से भारत कैसा दिखता है, प्रधानमंत्री के इस सवाल का जवाब राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2012 में अंतरिक्ष से भारत की तस्वीर शेयर की, जो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये 2012 में अंतरिक्ष से खींची गई भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि रात के समय में भारत कैसा दिखता है। अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर यह जो दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को नासा द्वारा 2016 में खींचा गया था। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर इन 5 सालों में भारत देश की संरचना में कितना बदलाव देखा गया है। इन तस्वीरों को लाइट नाइट कहा गया। दोस्तों इस तस्वीर में भारत का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है, एक बार तो देखने पर दिल खुश हो जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों अब आप इस वीडियो फुटेज में जो देख पा रहे हैं ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र का भाग है, तमिलनाडु केरल। इसमें आपको श्रीलंका कंट्री भी दिखाई दे रही है। इसके आसपास हिंद महासागर का पानी फैला हुआ है। अब आगे कैमरे का एंगल घूमते ही आपको भारत का उत्तर पूर्व भाग नजर आएगा। कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। यहां से आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देगी। यहां से भारत के कई राज्यों का नजारा दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो के कैमरे का एंगल घूमता है और आपको नजर आता है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन और साथ में कुछ बांग्लादेश का भाग दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको रूबरू करवाते हैं हमारी राजधानी दिल्ली से। अभी जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही फोटो ये हमारी राजधानी दिल्ली की है। लाइटों की चकाचौंध से भरा यह फोटो भले ही आपको दूसरे शहर का लगता हो, लेकिन यह वास्तव में हमारी राजधानी दिल्ली का फोटो है। दोस्तों अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नासा द्वारा 2015 में जारी की गई भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की पिक्चर है, जो बीच में आपको लाल लाइट वाली लाइन दिखाई दे रही है। ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। सीमा पर सुरक्षा कारणों के चलते रात में सिक्योरिटी लाइट्स लगी हुई है। ये तस्वीर एक एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली। इस तस्वीर में पाकिस्तान का कराची शहर सबसे ज्यादा चमकीला दिख रहा है। भारत पाकिस्तान की सीमा विश्व की उन चुनिंदा सीमाओं में से एक है जो रात के घने अंधेरे में भी दिखती है। साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई कुछ वीडियो फुटेज आप देख लीजिए। इसमें हमारी पृथ्वी के रात के समय का दृश्य दिखाया गया है। अभी जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह चमचमाती हमारी पृथ्वी रात में दिखाई देती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है अंतरिक्ष से हमारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों हमने काफ़ी इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप पृथ्वी के बारे में पूरा अंतरिक्ष से कैसी दिखती है उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 2।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।